बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लास्ट क्लास के अंदर हम रिसोर्सेज को डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्सेज जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सबको डिटेल से पढ़ने के बाद आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स पढ़ लिए थे? जिस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स पढ़ लिए थे, बिल्कुल उस तरीके से आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस, जिस तरह वॉन्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरह रिसोर्सेस के भी क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या होंगे बेटा बताएंगे। नंबर वन, रिसोर्सेस आर स्कैर्स। रिसोर्सेस आर स्कैर्स, रिसोर्सेज आर स्कैर्स। आम आदमी की जबान में आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, आम आदमी की जबान में आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बोलिए, तो रिसोर्सेज जो है, वसाइल जो है महदूद हैं, और वॉन्ट्स जो है वो क्या है, लामहदूद। ख्वाहिशात बेतहाशा हैं, ख्वाहिशात बेतहाशा हैं, सही है। ख्वाहिशात बेतहाशा हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो वसाइल है वो क्या है, महदूद है। अब ये महदूद होना क्या होता है, इस पे मेरी बहस है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, अब स्कैर्स का मीनिंग क्या है, तो इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और इसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब चीजों का स्कैर्स होना। तो जब हम स्कैर्सिटी समझेंगे तो हमें स्कैर्स होना समझ में आ जाएगा। स्कैर्सिटी तर्जुमा क्या होगा उर्दू के अंदर इसका, फिर उर्दू ला रहा हूं, कमी। अच्छा जी, ओके, और कोई उर्दू तर्जुमा करने वाला कोई है इसका? खत्म होने का डर। अच्छा बेटा, ओके, हाँ जी, क्या लिखा मैंने, किल्लत। किल्लत इज व्हाट, शॉर्टेज। शॉर्टेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेज एंड स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी के लिए शॉर्टेज का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शॉर्टेज जो है वो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं देता बेटा, ये समझाना चाह रहा हूं। किताब ने इस पर बहस की हुई है शॉर्टेज के ऊपर, और यस, कमयाबी, कमयाबी, कामयाबी नहीं, कमयाबी। ठीक है, शुरू करें बात को। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्कैर्सिटी है। तो मैं इसकी लिख रहा हूं डेफिनेशन, पहले इसको आप पढ़ेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इट इज Not a quantity. It is relative term
नॉट एब्सोल्यूट टर्म. इट इज नॉट अ क्वांटिटी. स्कैर्सिटी, सुनिएगा बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत होश आवाज में सुनिएगा, स्कैर्सिटी किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है. स्कैर्सिटी किसी क्वांटिटी का नाम नहीं. इस लाइन को बोलने का मतलब क्या है? इट इज रिलेटिव टर्म नॉट एब्सोल्यूट टर्म. स्कैर्सिटी एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है. क्या मतलब यार रिलेटिव टर्म है एब्सोल्यूट टर्म नहीं है? क्या मतलब क्वांटिटी का नाम नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात. कुछ चीजों को मेजर करने के लिए स्केल होते हैं, स्केल स्केल होते हैं. कुछ चीजों को मेजर करने के लिए स्केल होते हैं, पैमाइश करने के लिए स्केल होते हैं कि नहीं होते? गाड़ी की स्पीड कितनी है, हवा कितनी तेज रफ्तार से चल रही है, आज मौसम टेम्परेचर कितना है, जवाब दीजिए. स्पेस, कमरे का एरिया कितना है, जवाब दें. तो जिन जिन चीजों को हम क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर लेते हैं, दे आर एब्सोल्यूट टर्म्स. ये एब्सोल्यूट टर्म्स. बुखार, बुखार आप क्या करते हैं, माप लेते हैं बुखार आप थर्मोमीटर के जरिए, ये बुखार है या नहीं. कितने फ़ारेनहाइट पे बुखार होता है, बुखार है 96 तो नॉर्मल है ना, 96 नॉर्मल है. आमतौर पे 100 99 या 100 पे जाए और फिर 100 से ऊपर जाए तो और तेज बुखार हो जाएगा, ऐसे ही है ना. तो इसका मतलब ये वो बुखार, बुखार होने का आपके पास कोई ना कोई जो है वो आला है. आपने थर्मोमीटर लगाया, पता लग गया बुखार है या नहीं. 104 पे बंदा गया, अच्छा भाई अल्लाह बचाया बेटा, ठीक है जी. तो बताने का मतलब क्या है, बुखार मालूम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई आला मौजूद, ठीक है. अब एक जवाब दो, आपका AFC पास हो गया, मुबारक हो. एक बार फिर से खुशी कितनी हुई, खुशी कितनी हुई, खुशी कितनी हुई, उस खुशी का कोई नाप तोल बताओ मुझे. उस खुशी का नाप तोल बताओ. अच्छा मुबारक हो आपका कैफ पास हो गया, मुबारक हो आपका कैफ पास हो गया. तो कितनी खुशी हुई आपको, कितनी खुशी हुई आपको? AFC से ज्यादा खुशी हुई कैफ के पास होने की या AFC से कम? ये बताओ, कैफ पास करने की खुशी ज्यादा होगी या AFC? यार अभी तो आप कह रहे थे कि हम नाप नहीं सकते इसको, अभी तो आप कह रहे थे हम नाप नहीं सकते, फिर भी आप बोल रहे हैं कैफ पास करने की खुशी ज्यादा है AFC के मुकाबले. तो इट मीन्स ये खुशी नापने का कोई आला तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम रिलेटिवली कंपैरिजन करके हाँ सर AFC के मुकाबले में कैफ की खुशी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत मेहनत लगती है उसके. और जब CFF पास कर लेंगे, जब CA क्वालिफाई कर जाएंगे तो खुशी का लेवल क्या होगा. वो भी पास करवा दो, मुबारक हो, जवाब दीजिए. तो खुशी का लेवल क्या होगा, वो खुशी अभी बहुत से लोग हवाओं में उड़ना शुरू होगा यकीन कीजिए. अच्छा वो खुशी ऑब्वियसली कैफ से ज्यादा होगी. जवाब दें, वो खुशी कैफ से ज्यादा होगी. क्या कहते हैं आप लोग, होगी ना?
मैं सीधे सर्टिफिकेट दे दूं। अच्छा बेटा, तो अब देखो अभी तक तो हम कह रहे थे खुशी को नापने के लिए कोई पैमाना हमारे पास नहीं, लेकिन अभी मुख्तलिफ स्टेजेस पर हमें मुख्तलिफ किस्म की खुशियां हो रही हैं, और वो खुशी एक हर अगली स्टेज की खुशी पिछली स्टेज से ज्यादा है। तो हमने ये तो बोल दिया कि हमारे पास खुशी को नापने के लिए कोई आला मौजूद नहीं है, लेकिन हम कंपैरेटिवली, हम रिलेटिवली खुशी को मेजर कर सकते हैं। टॉपिक वापस आइए, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं ज्यादा खुश हूं आज कल से, आज मुझे कल से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो खुशी, गुस्सा, गम, ये वो चीजें हैं जिनको मेजर करने के लिए कोई हमारे पास आला तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको मेजर करने की कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो ये जो हमारा इन चीजों को मेजर करने का तरीकेकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट वो क्या है, रिलेटिव है, कंपैरिजन करके। क्या मेरी यहां तक की गुफ्तगू समझ में आती है आपको? तो पहली टर्म पढ़िएगा, अब टॉपिक पे आइएगा बेटा। इट इज नॉट अ क्वांटिटी, स्कैर्सिटी किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है, मतलब स्कैर्सिटी में कोई स्केल नहीं है आपके पास। सुने, स्कैर्सिटी में कोई स्केल नहीं है। बासित कह रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल सकता मुझे 2 किलो की खुशी हुई है, अब आज मुझे 3 किलो की खुशी हुई है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ क्वांटिटी, स्कैर्सिटी, सुने, स्कैर्सिटी किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि देखो कोई स्केल फिक्स नहीं हुआ हुआ कि 100 हैं तो स्कैर्स हैं, 101 है तो स्कैर्स नहीं है। एक चीज अगर आपके पास 100 की क्वांटिटी में मौजूद है तो स्कैर्स है, 101 या उससे ऊपर है तो स्कैर्स नहीं है। एक चीज आपके पास 1 लाख की क्वांटिटी में मौजूद है तो स्कैर्स है, 1 लाख से ऊपर है तो स्कैर्स नहीं है। एक चीज आपके पास 1 मिलियन की क्वांटिटी मौजूद है तो स्कैर्स है, 1 मिलियन से ऊपर है तो स्कैर्स नहीं है। एक चीज आपके पास 1 बिलियन की क्वांटिटी में मौजूद है तो स्कैर्स है, और अगर 1 बिलियन से अबव है तो स्कैर्स नहीं है। तो कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इट इज नॉट अ क्वांटिटी। Scarcity के लिए कोई quantity fix नहीं है, it is relative term, not absolute term. ये एक relative term है और ये absolute term नहीं, समझे बात को? अब जो statement देने जा रहा हूं सुनना जरा गौर से, यानी हालात के ऊपर depend करता है। हो सकता है एक चीज एक quantity में हो, one quantity, यानी मतलब एक चीज एक quantity में हो, उसकी quantity one हो, लेकिन वो वन होने के बावजूद भी स्कैर्स ना हो, और एक चीज लाखों की तादाद में मौजूद हो, लेकिन वो चीज लाखों की तादाद में होने के बावजूद भी क्या हो, स्कैर्स हो। तो हो सकता है एक है और स्कैर्स ना हो सकता है लाखों हो करोड़ों हो फिर भी स्कैर्स हो। इसका मतलब स्कैर्सिटी की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं कर दी गई। इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म। क्या ये जुमला समझ में आता है बेटा यहां तक का? आप लोग, आप सबका रिस्पांस चाहिए बेटा। जो मैंने दो अभी लाइन लिखी आपके सामने, एक लाइन लिखी आपको समझ में आई बेटा सबको? अच्छा, अब अगला जुमला सुनिएगा सब। तो फिर इसको मेजर कैसे करना है? It is measured by creating relationship between
डिमांड एंड सप्लाई। तो स्कैर्सिटी को जो मेजर करने का आला है, वो आला जो है वो दो चीजें हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन करके स्कैर्सिटी मेजर की जा सकती है। इट इज मेजर्ड बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं, रिलेटिव टर्म, तो रिलेशनशिप कायम करना है। इट इज मेजर्ड बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो अब व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसको सुनिएगा, कीमती बात है, सबसे आखिरी बात। वही बता रहा हूं हाउ। दैट इज गिवन एट द निल प्राइस। डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स अवेलेबल सप्लाई। दैट इज गिवन एट द निल प्राइस, द डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स अवेलेबल सप्लाई। ये लास्ट लाइन बहुत कीमती लाइन है और टेक्निकल लाइन है। दैट इज गिवन एट द निल प्राइस, डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स अवेलेबल सप्लाई। हाँ जी, क्या मतलब सर, समझ नहीं बात, क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन है? कोई जिसको पिक हुआ हो थोड़ा बहुत, चाहे जो समझ गया हो इस बात को, कोई है आप में से? जरा बताइए, बोलिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए आप सबका। यस बोले, नो बोले, लेकिन बोले जरूर। पिक करने वाले हैं तब भी बोले, नहीं समझ में आया तब भी बोले, ताकि पता लगे भैया मुझे आपको किस तरह समझाना है। ठीक है, अगर आप बता देंगे, नो बोल देंगे, तो मैं बंदा देखकर, नाम देखकर समझ जाऊंगा हाँ इसको कौन सी वाली टेक्निक समझाना है। हाँ और ना बोलते रहेंगे ना, तो आपका नाम देख के पता लग जाएगा मुझे कौन सी वाली टेक्निक यूज करनी। अच्छा, मेजोरिटी ने आंसर कहा नो, हमें समझ नहीं है। अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए। रिपीट तो करूंगा यार, रिपीट ही तो कर रहा हूँ, पूरा रिपीट तो कर रहा हूँ, पढ़ाया कंप्लीट कहाँ किया। ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है, जो मैंने लाइन अंडरलाइन की हुई है, गिवन एट द निल प्राइस डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स अवेलेबल सप्लाई, ये टेस्ट ऑफ स्कैर्सिटी है। क्या है ये, क्या है? ठीक है, मैंने बॉक्स ही बना दिया इसके ऊपर। ये जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई है, किसको क्या बोल रहा हूँ मैं, इनको मैं बोल रहा हूँ क्या नाम दे रहा हूँ मैं, इनको मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट ऑफ स्कैर्सिटी। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई रिसोर्स स्कैर्स है या नहीं है, तो आप उसको इस तराजू में तोल के देखें। ये तराजू है जिस पे अगर आप तोलेंगे चीजों को, रिसोर्सेस को, तो इस तराजू पे तोल के पता लग जाएगा जनाब कि वो चीजें स्कैर्स हैं या नहीं। गिवन एट द निल प्राइस द डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स अवेलेबल सप्लाई। यानी आपको अगर मालूम करना है कि कोई चीज स्कैर्स है या नहीं है, तो आप निल प्राइस टेस्ट परफॉर्म करके देखें। निल प्राइस, उस चीज को मुफ्त में, उसकी प्राइस आप निल अज्यूम करके देखें। अजम्पशन, अजम्पशन,
ऐसा सोचें कि हर चीज जीरो प्राइस पे आ गई है। अब सब सब सोचें, जब हर चीज जीरो प्राइस पे आ गई है, फर्ज करें आप एक मार्केट में एंटर होते हैं, आप ऑटोबान रोड पे एंटर होते हैं और आपको पता लगता है कि हर चीज की प्राइस जीरो है, तो जरा बताइए ऑटोबान रोड का हाल क्या होगा। ऐसा सोच के देखिएगा, आपके रिस्पॉन्स का मुंतजर हो। आप ऑटोबान रोड पे एंटर होते हैं, पता लगता है हर चीज दाऊद मार्ट में जो कुछ रखा है वो जीरो प्राइस पे मिल रहा है। खादी, अलकरम, गुल अहमद, इन सब पे जो कुछ रखा है वो जीरो प्राइस पे मिल रहा है। क्या होगा? अरे पैर रखने की जगह नहीं, कत्ल हो जाएंगे, कत्ल। वैसे ही खादी 50% ऑफ करता है, खवातीन की वहीं लड़ाई हो जाती है, हैं? या तो कत्ल हो जाएंगे, कत्ल। ठीक है, तो जरा बताइए कुछ बचेगा वहां पर? कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? क्या जो लोग उस मार्केट में पहुंचेंगे उन सबको सब कुछ मिल जाएगा, या कुछ लोगों को खाली हाथ भी जाना पड़ेगा? क्या लोगों को खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा? बहुत बड़े तबके को खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। समझे बात को या नहीं? अब ये बात गौर तलब है। देखें, अभी बात आप किसी और तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जरा सोचिएगा। देखें, निल प्राइस लव्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। निल प्राइस अज्यूम करने के लिए बोला गया, अज्यूम करो, प्रैक्टिकली उसकी प्राइस निल नहीं होगी। ये आपको समझाने के लिए बोला गया कि अगर तुम्हें ये टेस्ट करना है कि जो चीज तुम देख रहे हो, अगर तुम कोई सूट देख रहे हो, तुम कपड़ा देख रहे हो, तुम गाड़ी देख रहे हो, तुम घर देख रहे हो, तुम कोई खाने पीने की चीज देख रहे हो, कुछ भी चीज देख रहे हो, तुम जानना चाहते हो वो जो स्कैट्स है या नहीं, तो अज्यूम कर लो कि वो निल प्राइस पर, और दुनिया को पता लग जाए कि निल प्राइस पर, तो फिर क्या होगा? जब चीज निल, कोई भी चीज जब निल प्राइस पे आ जाएगी बेटा, तो निल प्राइस पर आने की वजह से उसके खरीदने वाले उसको डिमांड करने वाले ज्यादा होंगे। स्टॉक करने की बात नहीं कर रहा, उसको डिमांड करने वाले ज्यादा होंगे उसकी मौजूदा सप्लाई से। जितनी क्वांटिटी में वो चीज मौजूद है, उससे ज्यादा अगर उसका डिमांड लेवल बढ़ जाएगा, तो जान लो वो चीज क्या हो गई बेटा, स्कैर्स हो गई। वो चीज स्कैर्स हो गई। तो किसी भी चीज की स्कैर्सिटी आपने समझनी है, तो आप उस पर निल प्राइस टेस्ट परफॉर्म करके देखें। आप एक बिरयानी की देग बनाए, सुने, आप एक बिरयानी की देग बनाए, अपने घर के बाहर जरा बांटना शुरू करें फ्री में, क्या होगा? आप एक बिरयानी की देग बनाए, अपने घर के बाहर बांटना शुरू करें फ्री में, क्या होगा? 5 मिनट में खत्म, और वो खत्म होने के बाद लोग मुंतजर होंगे कि क्या कोई दूसरी देग भी आ रही है, क्या तीसरी भी आ रही है? जवाब दें। अच्छा, अब एक काम करें, यही देग अपने घर के बाहर प्लेट बना बना के बेचना शुरू कर, तो रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ होगा। नहीं बेटा, 3 से 4 आवर की बात नहीं, हो सकता है देख पूरी बिके भी ना, हो सकता है अभी तक तो आपका बिजनेस शुरू हुआ हो, है कि नहीं बेटा? तो जैसे जैसे बात को, जैसे ही आपने प्राइस निल की या निल अज्यूम की, तो कल तक जिस चीज को कोई नहीं खरीद रहा था निल प्राइस पे, वो बंदा उसको खरीदने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। क्यों हम यहां पर निल प्राइस वर्ड को क्यों अज्यूम कर रहे हैं बेटा? हम यहां पर निल प्राइस वर्ड क्यों ला रहे हैं? जवाब दीजिए, निल प्राइस क्यों इस्तेमाल किया होगा?
देखिए आप समझिएगा, टेक्निकल बात है बहुत। निल प्राइस पर हर बंदा, सुने हैं मैं क्या बोल रहा हूं, निल प्राइस पर हर बंदा विलिंग भी होगा और एबल भी होगा, यस और नो? निल प्राइस पर वो चीज उस बंदे की वॉन्ट बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? लेकिन जब आप प्राइस रख देंगे, जब आप प्राइस रख देंगे किसी चीज की, तो प्राइस रखने की बिना पर शायद एबल हो विलिंग ना हो, शायद विलिंग हो एबल ना हो, क्या कहते हैं? ऐसे ही तो अगर आप जानना चाहते हैं, अब देखिए समझेगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे, हो सकता है आ भी रहे हो, जा भी रहे हो क्वेश्चंस, तो मेरी गुफ्तगु इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिएगा। अब समझेगा जरा बात को, बजाहिर हम एक मार्ट में इंटर होते हैं, हमें वहां पर सामान ही सामान दिखाई देता है, हमें ये लगता है यार ये खरीदने वाले कम है, सामान बहुत ज्यादा है, तो शायद यहां खरीदने रखा हुआ सामान ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है और खरीदने वाले कम है, हमें तो ये शेल्फ खाली होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सामान ही भरा पड़ा हुआ है, इतना सामान भरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लोग खरीदने के, लेकिन जब खरीद रहे हैं तब भी सामान खाली नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? तो क्या मतलब जब जो खरीदने वाले हैं वो डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सामान वहां रखा हुआ है वो सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो बजाय ऐसा लग रहा है डिमांड कम है और अवेलेबल सप्लाई क्या है ज्यादा है, बजायर ऐसा लग रहा है, बजायर ऐसा लग रहा है, जब मैं किसी मार्ट में इंटर होता हूं, जब किसी शॉप में इंटर होता हूं, तो मुझे ये फील होता है कि नहीं होता, बजायर मुझे ये फील होता है कि अवेलेबल स्टॉक जो है वो क्या है, ज्यादा है, अवेलेबल सप्लाई ज्यादा है और उसके मुकाबले में डिमांड क्या है कम है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, मुझे फील होता है कि नहीं होता ऐसा? तो जब मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्या मेरे सामने रखी हुई चीजें स्कैर्स नहीं है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, सुनने वाली बात है, मेरे सामने रखी हुई चीजें स्कैर्स हैं लेकिन वो मुझे स्कैर्स दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि अभी उनकी प्राइस है, प्राइस हटा के देखो, टेस्ट परफॉर्म करके देखो, टेस्ट थोड़ी देर के लिए प्राइस हटा दो, फ्री कर दो, फ्री क्या होगा, जवाब दो, यानी किसी भी चीज की स्कैर्सिटी मालूम करने के लिए उस चीज को निल प्राइस पे अज्यूम करना होगा, किसी भी चीज की स्कैर्सिटी मालूम करने के लिए उस चीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लीज रिस्पॉन्स, किसी भी चीज की स्कैर्सिटी मालूम करने के लिए उसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, निल प्राइस, जब उसको निल प्राइस पे अज्यूम करेंगे तो क्या लगेगा ख्यालों की दुनिया में, कि डिमांड एक्सीड कर गई है उसकी अवेलेबल सप्लाई, तो अगर किसी चीज की निल प्राइस पर डिमांड एक्सीड कर जाए उसकी अवेलेबल सप्लाई से, तो जान लो वो चीज स्कैर्स है, भले बजायर वो आपको स्कैर्स दिखाई ना दे, तो स्कैर्सिटी जानने का ये टेस्ट है कि निल प्राइस टेस्ट परफॉर्म करके देखो, निल प्राइस पर अगर डिमांड एक्सीड कर जाए अवेलेबल सप्लाई से तो वो चीज क्या है, स्कैर्स है, अभी बात मुकम्मल कर रहा हूं। अच्छा जी, पहला पॉइंट हो गया, तो क्या कोई चीज निल प्राइस पर भी स्कैर्स ना हो, ऐसा मुमकिन है? मतलब मैं स्कैर्स उसको नहीं मानूंगा जो निल प्राइस पे अवेलेबल हो लेकिन फिर भी उसकी डिमांड उसकी अवेलेबल सप्लाई से एक्सीड ना करे, एक चीज निल प्राइस पर हो फिर भी उसकी अवेलेबल डिमांड उसकी अवेलेबल सप्लाई उसकी डिमांड से एक्सीड ना करे, तो अगर निल प्राइस पर किसी चीज की डिमांड उसकी अवेलेबल सप्लाई से एक्सीड ना करे तो फिर वो स्कैर्स नहीं है, क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसी चीज है? नो बेटा, कन्वेंशनल एसिड नहीं बेटा,
ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन 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 है कोई महीने के एंड पर फरिश्ता बिल बिल लाता है कोई कि तुमने इस महीने इतनी इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम की, तेरा बिल बिल निकालो बेटा, है कोई फरिश्ता बिल लाता है वो तो बताओ महीने के एंड पर, लाओ भाई तुम्हारे ऑक्सीजन यूनिट इतने बनते हैं निकालो पैसे, हिसाब किताब दो तुम। तो ऑक्सीजन जो है, सुनिए, ऑक्सीजन जो है वो इंसान कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो जानवर कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो दिन के वक्त में पौधे कंज्यूम करते हैं। यार दुनिया में, दुनिया भर के अंदर इतने लोग, एक एग्जांपल पे फोकस करना है पहले, फिर मैं आता हूँ बारी बाकी। दुनिया में इतने लोग यार ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं मेरे भाई, चीजें कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब, दरख्त ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, इतने लोग ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, जानवर कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी ये ऑक्सीजन पूरी पड़ रही है, खत्म नहीं हो रही, कभी आज तक ऑक्सीजन की लोड शेडिंग नहीं हुई यार, बोला ऑक्सीजन शॉर्ट पड़ गई 2 घंटे की लोड शेडिंग। बोला अभी हैदराबाद वालों को नहीं, कराची वालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, हमने 2 घंटे बाद आपकी ऑक्सीजन बहाल कर दी जाएगी, कोई ऐसी शॉर्टेज हमें फील हुई। ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन अबेंडेंस, सब लोग डिमांड कर जाएं तो सबकी डिमांड करने के बाद भी ऑक्सीजन बचेगी और उसकी कभी भी अवेलेबल सप्लाई जो होगी वो शॉर्ट नहीं होगी डिमांड के मुकाबले, कभी भी उसकी डिमांड एक्सीड नहीं कर सकती, इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है ऑक्सीजन, हवा, एयर, सनलाइट। जवाब दीजिए, ये लोग सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल, तो सोलर पैनल खरीदने की तो कॉस्ट है, उसको इंस्टॉल करने की तो कॉस्ट है, लेकिन वो धूप जो उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना रही है वो धूप के पैसे क्या है, उस सनलाइट के पैसे क्या है, वो जो पौधे आप लगा रहे हैं जिनको धूप की जरूरत है, वो धूप के जरिए वो पौधे जो है वो उग रहे हैं, ऊपर बड़े हो रहे हैं, तो धूप जो पौधों को मिल रही है उसके क्या चार्जेस पे कर रहे हैं, कोई चार्जेस पे कर रहे हैं? कुछ समझे बात को? अब एक जुमला बोलने जा रहा हूं बेटा, उस जुमले को पिक कर लिया, इकोनॉमिक्स को पिक कर लिया। अगर स्कैर्सिटी दुनिया में ना होती तो हर चीज फ्री होती, अगर दुनिया में स्कैर्सिटी ना होती तो हर चीज फ्री होती। स्कैर्सिटी है तो चीजें फ्री नहीं है, पिक करें इस बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बात बोल दी मैंने आपके सामने, इस जुमले की वर्थ नहीं पता आपको। दुनिया में अगर स्कैर्सिटी ना होती तो हर चीज फ्री में मिलती, स्कैर्सिटी है जब भी तो चीजों की प्राइस है, क्योंकि जो चीज स्कैर्स है अगर उसको हम निल प्राइस पे ले आए तो फिर तो वो सबको पूरी नहीं पड़ेगी भाई, वो चीजें लोगों को पूरी नहीं पड़ेंगी, लोग आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे, जंग शुरू हो जाएगी लोगों के दरमियान। तो अब आपको एक मैंने बेहतरीन एक पॉइंट दे दिया, बेहतरीन पॉइंट क्या है कि यार तुम देख लो जिस चीज की तुम्हें प्राइस दिख जाए, जिस चीज की तुम कीमत दे रहे हो, जिस चीज की तुम कीमत दे के उसको तुम खरीद रहे हो तो जान लो वो चीज स्कैर्स है, क्योंकि अगर वो चीज मुफ्त में दे जाए, मुफ्त में तुम्हें दी जाए तो उसकी डिमांड उसकी अवेलेबल सप्लाई से एक्सीड कर जाएगी और लोगों के दरमियान आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कीमत इसलिए दी जाती है, वो स्कैर्स है, ताकि हर चीज हर बंदा खरीद ना पाए, कीमतें लोगों को कुछ चीजें खरीदने से पीछे कर देती है,
कीमतें विलिंगनेस और एबिलिटी को मुतासिर करती हैं। एक चीज खरीदने का बहुत दिल कर रहा है आपको, विलिंगनेस है बहुत ज्यादा, लेकिन प्राइस सुनते में पीछे हट गया यार, नहीं यार ये तो बड़ी महंगी चीज है यार, फिर कभी देखेंगे। तो कहीं पे विलिंगनेस होती है, एबिलिटी नहीं होती बेटा, और कहीं पे एबिलिटी होती है, विलिंगनेस नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अब एक सवाल आया मेरे पास उसामा की तरफ से, हराम फूड अगर किसी इस्लामिक स्टेट में हो तो यार उस स्टेट को इस्लामिक थोड़ी बोलेंगे मेरे भाई उसामा, ठीक है। अब हराम फूड की जरूरत क्या है, मुसलमानों को जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में चाइनीज मौजूद हैं, उनको गधे घोड़े खाने की जरूरत है, ठीक है। थर के अंदर आपको पता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी बता रहा हूँ, अभी आपने मुझे बात जतला दी, ये थर कोल प्रोजेक्ट सुना है ना, थर कोल प्रोजेक्ट सुना है आपने, थर कोल प्रोजेक्ट सब लोगों ने सामा बेटा, थर कोल प्रोजेक्ट सुना है, इस प्रोजेक्ट पे चाइनीज काम करते हैं उसामा बेटा। हुआ ये कि थर में या मुख्तलिफ इलाकों में जो भी कुत्ते घूमते थे वो सारे गायब होना शुरू हो गया वक्त के साथ साथ। वो जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं वो गायब होना शुरू हो गए उस इलाके से, पता लगा चाइनीज ले जा रहे हैं, चाइनीज उठा के ले जा रहे हैं, वो कुत्ते उनको मिल रहे थे नील प्राइस पर, खा गए। गधे मिल रहे थे उनको नील प्राइस पे, खा गए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वो उन्होंने गली मोहल्ले के सारे ये कुत्ते खत्म कर दिए खा पी के, तो अब वो कहाँ जाएंगे, अब तो वो उनको खरीदना पड़ेगा ना। वो तो किसी भी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर ऑब्वियसली हराम फूड की डिमांड, हराम फूड जब भी क्या कहते हैं सेल किया जाएगा जब उसके खरीदने वाला कोई हो। अगर एक चीज को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो चीज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है उसामा। तो बात मेरी क्या चल रही थी, मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। तो ये निल प्राइस जो है टेस्ट ऑफ स्कैर्सिटी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखो अजम्पशन लेना, एक इलिटरेट विलेज है, क्या है इलिटरेट विलेज, बुरा नहीं मानना, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इलिटरेट विलेज यानी वहां पर किसी का पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं, ना कोई पढ़ना चाहता है ना कोई लिखना चाहता है। तो उस विलेज में पेन का कोई यूज होगा, पेन का, कलम का, पेन का कोई यूज होगा। अगर मैं वहां पर एक पेन भी ले जाऊं, एक पेन, और उसको मुफ्त में दूं, एक पेन, तो हो सकता है उस एक पेन को लेने के लिए ना कोई विलिंग हो ना कोई एबल हो, इवन एट द निल प्राइस। तो क्या मतलब इस बात का कि सर वो एक पेन है, सप्लाई उसकी वन है, लेकिन सर निल प्राइस पर उसकी डिमांड जीरो है। सप्लाई उसकी वन है, निल प्राइस पर उसकी डिमांड जीरो है। तो निल प्राइस पर भी उसकी डिमांड उसकी अवेलेबल सप्लाई से एक्सीड नहीं कर रही। तो सर ये पेन एक है, एक होने के बावजूद भी स्कैर्स नहीं है, ये पेन एक है और एक होने के बाद भी स्कैर्स ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, स्कैर्सिटी किसी क्वांटिटी का नाम नहीं है बेटा। हो सकता है एक हो और स्कैर्स ना हो, और हो सकता है लाखों हो फिर भी क्या हो, स्कैर्स हो। चलें जनाब एक बड़े शहर में चलते हैं जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत ज्यादा है। अब आप कराची जैसे शहर में पेन बांटना शुरू करें मुफ्त में, हैदराबाद में आप पेन बांटना शुरू करें मुफ्त में, क्या होगा?
जवाब दें। कोई एग्जीबिशन लगता है, एग्जीबिशन वहां पर यूनिवर्सिटी आई भी होती है, वो अपने अपनी आप क्या कहते हैं अपने मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट के लिए पेन वगैरह सामान वगैरह दे रही होती है ऐसा, और लोग बस वो लिए जा रहे होते हैं। एट द एंड कुछ देर बाद कुछ और लोग, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा यार ये पेन तुमने कहां से लिया, बोला फलां स्टॉल से लिया। चलो भाई दोस्त गया फलां स्टॉल पर, बोला सर वो पेन तो सारे खत्म हो गए, बोला सर पेन तो सारे खत्म हो गए, बैग्स तो सारे खत्म हो गए, टी शर्ट तो सारी खत्म हो गए। तो एक दोस्त को मिल गया, एक दोस्त को नहीं मिला, थोड़ी देर का फर्क था, ऐसा था कि नहीं, क्यों? गिवन एट द नल प्राइस। जब उसको नल प्राइस से परफॉर्म करके देखा तो उसकी अवेलेबल सप्लाई जो है वो डिमांड के मुकाबले में क्या हो गई, कम पड़ गई, शॉर्ट पड़ गई, डिमांड एक्सीड कर गई अवेलेबल सप्लाई। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक लिटरेट, एक ऐसे शहर में जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, एक ऐसे शहर में जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है वहां पर लाखों पेन भी स्कैर्स नहीं, वहां पर लाखों पेन भी स्कैर्स नहीं। लेकिन एक ऐसा शहर जहां पर लिटरेसी नहीं है, इलिटरेट है, लिखने पढ़ने का कोई काम ही नहीं है, वहां पर एक पेन भी स्कैर्स नहीं। तो इस पहली लाइन को दोबारा रेफर कर लो, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, स्कैर्स होने के लिए कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है बेटा, स्कैर्सिटी हमेशा डिमांड और सप्लाई के रिलेशनशिप से निकाली जाएगी, सप्लाई वन डिमांड जीरो, नील प्राइस नॉट स्कैर्स। सप्लाई 1 लाख, डिमांड 10 लाख, नील प्राइस स्कैर्स। सोचिए ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्कैर्सिटी के ऊपर बात की है। यहां तक कोई आपको क्वेश्चन को मुझे बताइए प्लीज। ठीक है ना, चलिए अच्छा ओके। अब उसके बाद नंबर टू, resources have alternative uses, अगर डिमांड सप्लाई के बराबर हो तब भी वो चीज स्कैर्स नहीं होगी। लेकिन नील प्राइस को मत भूलना सलमान बेटा, नील प्राइस को मत भूलना। प्रैक्टिकली नील प्राइस हम रखते नहीं है ना चीजों की, हम चीजों की कीमत दे रहे होते हैं, लेकिन जिन चीजों के बारे में हमें जानना है कि वो चीज स्कैर्स है या नहीं है स्कैर्स, तो हमें उसको नील प्राइस पे अज्यूम करना। जब भी आप स्कैर्सिटी की बात करो आप नील प्राइस को जरूर मद्देनजर रखो। अभी दोबारा इस पे बात करता हूँ, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के इस्तेमाल एक से ज्यादा है। इस पे एक पॉइंट पे आके डिस्कस करूंगा आपको, खाली मैंने इसको लिखवा दिया बतौर कैरेक्टरिस्टिक्स। वसाइल को आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, वसाइल के यूजेस जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, एक चीज से आप कई चीजें बना सकते हैं। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, इसको समझाऊंगा मैं किसी और पॉइंट पे बहुत तफसील से, ठीक है जी। तो ये मैंने सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं किसके, रिसोर्सेज के, बाकी अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं क्विक आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़कर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाने जा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे लिए जरूरी होंगी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या है आपके सामने रख रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट terms
जहां कीमत नहीं होती वहां उसकी वैल्यू, बिल्कुल उसकी अहमियत नहीं होती। सही बात है, आपने बेहतरीन बात की। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको इसको दोबारा आपके सामने रखूंगा। इसकी एग्जांपल पानी है। जिन जिनके घर पे या जिनके इलाकों में पानी ज्यादा है वो पानी का बेदरेक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस दिन पानी रुक जाए आपको पता लग जाए जनाब पानी एक डेढ़ हफ्ते नहीं आने वाला, तो देखिए पानी की अहमियत आपके नजदीक कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि पानी दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स है, लेकिन जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, जहां पर पानी की किल्लत नहीं है, जहां पानी बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है, वहां पर लोग पानी को बेपनाह क्या करते हैं, जाया करते हैं। उनको आइडिया नहीं है इस चीज का। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, गुड्स, ये कमोडिटीज, ठीक है। गुड्स मतलब चीजें, अच्छी वाली उर्दू में। अशिया, शय या अशिया, समझते हैं इस बात को, गुड्स बताइए बेटा। तो चीजें क्या होती हैं? एशिया नहीं बेटा, एशिया नहीं, अशिया चीजें, सामान, सामान जिंदगी। आप अपनी वॉन्ट्स पूरी करते हैं, आप खाते हैं पीते हैं, जो तो आप खाने पीने के लिए चीजें लेते हैं, आप पहनते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, सब चीजें, सब चीजें जो है वो गुड्स ही कहलाती है। इकोनॉमिक्स इनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, चीजें, गुड्स, अशिया, कमोडिटीज। तो कमोडिटी क्या होती है इकोनॉमिक्स के नजदीक? एनीथिंग दैट प्रोवाइड यूटिलिटी, और सेटिस्फाई वॉन्ट। हर वो चीज गुड्स या कमोडिटी की डेफिनेशन में फॉल करेगी जो चीज आपको यूटिलिटी दे, फायदा दे, यानी जिससे आपकी वॉन्ट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो अगर सेब खाकर आपकी भूख खत्म हो रही है तो सेब से आपने क्या हासिल किया, फायदा हासिल किया, यूटिलिटी हासिल की आपने, सेब खा लिया और भूख खत्म हो गई, आपकी वॉन्ट पूरी हो गई, आपको उससे यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, उससे फायदा हासिल हुआ। जवाब दें बेटा, एसी आपने लगा लिया तो एसी की ठंडी हवा क्या करेगी, आपको आपके गर्मी के एहसास को कम कर देगी। और एसी में बैठकर, रमजान तो वैसे आने वाला है, तो कोशिश होगी एसी वाली मस्जिद तलाश की जाए एतकाफ के लिए। अब हमारे लिए रमजान में क्राइटेरिया क्या बन गया है यार, जिस मस्जिद में जाएंगे वहां पर एसी है क्या नहीं, तो एसी वाली मस्जिद की तलाश करेंगे भाई, वहां क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होता है, वहां सो भी जाएंगे, आराम भी कर लेंगे, ऐसे ही है। जवाब दें, तो एनीथिंग दैट प्रोवाइड यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन और सेटिस्फाई वॉन्ट। जो चीज क्या करे, आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे, फायदा पहुंचाए, जिसके जरिए आपकी वॉन्ट क्या हो जाए, पूरी हो जाए, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, कमोडिटीज बोलेंगे। अब गुड्स की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो टाइप डिस्कस कर रहा हूं। एक टाइप कहलाएगी इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक गुड्स, गुड्स दैट आर स्कैर्स एंड
कमांड प्राइस, वो गुड्स जो स्कैर्स हैं और उनकी प्राइस भी है उनको हम इकोनॉमिक गुड्स बोलेंगे। नंबर थ्री, फ्री या नॉन इकोनॉमिक गुड्स आ रही एग्जांपल्स आ रही है बिल्कुल, फ्री और नॉन इकोनॉमिक गुड्स। एग्जांपल आप जब तक सोचें, गुड्स दैट आर इन abundance and not ठीक है जी, गुड्स आर इन अबेंडेंस एंड नॉट स्कैर्स। एंड डू नॉट कमांड प्राइस। चलिए जब एग्जांपल मैं देता हूं आपको अपनी तरफ से, ठीक है, बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एग्जांपल दी अभी मैंने आपको, ऑक्सीजन इन अबंडेंस है, बेतहाशा है, अगर तमाम लोग कंज्यूम कर लें फिर भी खत्म नहीं होती, तो ऑक्सीजन इन अबंडेंस है, जवाब दें बेटा प्लीज। ऑक्सीजन स्कैर्स नहीं है, ऑक्सीजन स्कैर्स नहीं है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कोई कीमत भी नहीं, सही है, लेकिन फर्ज करें आप स्क्यूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं पानी में, आप स्क्यूबा डाइविंग कर रहे हैं पानी में, पानी में जाने का शौक है आपको भी, समंदर की तह में जाने का, देखना है समंदर की दुनिया कैसी है, जवाब दें, जवाब का मुंतजर हूं आप लोग, तो जरा बताइए अब आप अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाएंगे पानी में नीचे, वो ऑक्सीजन जो आप अपने साथ लेके जाएंगे वो फ्री में मिलेगी या सिलेंडर भरवा के लेके जानी पड़ेगी, उस ऑक्सीजन की कोई कीमत है कि नहीं है, जो ऑक्सीजन आप पानी में लेके जा रहे हैं उसकी कीमत देनी पड़ रही है, और जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगे हुए हैं वहां जो ऑक्सीजन मिल रही है उसकी भी कीमत देनी पड़ रही है, तो क्यों देनी पड़ रही है, सवाल ये सर पानी में ऑक्सीजन नहीं है, तो पानी में ऑक्सीजन स्कैर्स है हमारे लिए, तो जहां स्कैर्सिटी है वहां प्राइस है, जहां स्कैर्सिटी नहीं वहां प्राइस नहीं, जरा सोचो, आप कमरे में बैठे हैं गर्मी लग रही है, कमरे की खिड़की खोलते हैं हवा चलना शुरू हो जाती है, क्रॉसिंग आपके घर में अच्छी खासी है, नेचुरल हवा चलती, आपको किसी पंखे एसी की जरूरत ही नहीं, जवाब दें उसकी क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं, वो हवा स्कैर्स ही नहीं, लेकिन पंखा जब आप चलाएंगे एसी आप चलाएंगे वो जो हवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाली हवा सबके लिए अवेलेबल तो नहीं है भाई, वो हवा तो स्कैर्स है, जवाब दे, आप स्पेस में जा रहे हैं तो स्पेस में जब आप जा रहे हैं तो स्पेस में भी तो ऑक्सीजन लेके जानी पड़ेगी ना आपको अपने साथ, फ्री में तो नहीं मिल रहा, वहां पर आपको ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही, आप
तो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां स्कैर्सिटी है वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर स्कैर्सिटी ना होती तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होती। अगर मेरे पास दुनिया के साथ साथ, अब आप कंक्लूड कर रहा हूं बात को, सुने बात को, अगर मेरे पास दुनिया के सारे वसाइल होते हैं तो मुझे किसी और शख्स के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती, हम आपस में ट्रेड ही ना करते। अगर हर इंसान के पास सब कुछ होता तो अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को ज्यादा रिसोर्स वाला बनाया, किसी को कम रिसोर्स वाला बनाया, लेकिन एक के पास जो चीज है वो दूसरे के पास मौजूद नहीं है। इस तरह ये लेन देन तबादले का सिलसिला शुरू होता है बेटा, इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। कभी किसी मुल्क को ऑयल दे दिया तो वहां पर सब्जियां फ्रूट नहीं दिए, तो वहां से ऑयल अगर यहां आता है तो यहां से फ्रूट सब्जियां वहां जाती हैं। स्कैर्सिटी, इन सब के पीछे जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो स्कैर्सिटी है भाई। अगर स्कैर्सिटी ना होती तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होती, ये लेन देन ना होता, ये ट्रेड ना होती, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता। ये सब कुछ कौन करवा रहा है? यानी हमारी पूरी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जितनी भी दुनिया भर के कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्कैर्सिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड है। चाहे यहां तक आपको गुफ्तगू समझ में आती है बेटा, जो आज हमने पढ़ा यहां तक, क्या सबको क्लियर है? यस, स्कैर्सिटी प्रमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्कैर्सिटी इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्कैर्सिटी इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कैर्सिटी ना हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी बेटा। कभी सुना जन्नत में कोई चीज खरीदेगा और बेचेगा? बताओ, कोई तस्करा सुना आपने? जन्नत में कोई अपनी दुकान लगाएगा, वो अपना सामान किसी को बेचेगा? जन्नत में ऐसी कोई चीज सुनने को मिल रही है? कुरान ने ऐसी कोई चीज बताई है कि जन्नत में आपकी कोई शॉप होगी, आप वहां से चीजें दूसरों को बेचेंगे? वहां तो हर नेमत हर बंदे के पास अवेलेबल होगी, जो वो सोचेगा उसकी सोच के हिसाब से वो चीज उसको मिल जाएगी। तो वहां तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है भाई, क्योंकि अगर आपको, आपके पास सब चीजें हों तो फिर आपको दूसरों की जरूरत क्या पड़ेगी? बहरहाल यहां तक मैं गुफ्तगू आज एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी जो है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी तरफ से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखें, और वो डेफिनेशन आपके अपने लफ्जों में होनी चाहिए, और वो किस बुनियाद पर होनी चाहिए, जितना अब तक हमने कवर कर लिया है। हमने जो पढ़ा उस पढ़ने की बेस पर हम ये जांचें या समझें कि भाई अब क्या लगता है, इतना कुछ पढ़ने के बाद क्या लग रहा है इकोनॉमिक्स क्या सिखा रही है हमें, इतना कुछ पढ़ने के बाद क्या लग रहा है इकोनॉमिक्स किस चीज का नाम है। तो अब तक जितना कुछ पढ़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश कीजिए बेटा कि आप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख सके, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम यहां से बात शुरू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।